सरदार गरीब नवाज भी मौजूद है, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं मोइनुद्दीन कैसे हो सकता हूं, मैंने दीन का काम ही क्या किया है, दीन की खिदमत ही क्या की है जो मैं मोइनुद्दीन हो जाऊंगा, मेरा काम ही क्या है। तो वो खड़े नहीं हुए, वो बैठे रह गए। देखिए आजिज़ी कितने काम की चीज है, जो अपने आप को गिराता है ना, रब उसको उठा देता है, और जो सीना तान कर चलता है, अपनी बड़ाई खुद बयान करता है, रब गिरा देता है उसको। कभी आपकी हाजिरी हो महरौली शरीफ दिल्ली जाए, गरीब नवाज के जानशीन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में हाजिरी दे, उनके मजार की आप ज़ियारत करें, उस पर गौर व फिक्र करें, हैरान रह जाएंगे आप। पूरे हिंदुस्तान में मैं समझता हूं वैसा मजार आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो मेरे इल्म के मुताबिक, मेरे नॉलेज के मुताबिक पूरे हिंदुस्तान में वैसा मजार है ही नहीं। जो लोग गए हैं वो जानते होंगे, बड़ा सा मजार बना हुआ है उनका, कब्रे अनवर रोजा शरीफ, बड़ा सा है, चौकोन एकदम, इतना बड़ा, जैसे आम कब्र होती है ना, ऊपर उठा हुआ, फिर ऐसे ढलान है 6 फीट 7 फीट। उनका मजार वैसा नहीं, उनका रोजा वैसा नहीं है, एक बड़ा सा स्क्वायर में बना हुआ है, जमीन बिल्कुल बराबर है, कब्र के जैसा बना हुआ भी नहीं है उतना बड़ा। कब्र कितनी बड़ी होती है, कितनी लंबी होती है, कितनी चौड़ी होती है, उतनी लंबी उतनी चौड़ी कब्र है, और फिर जमीन बराबर है, एकदम प्लेन भी नहीं किया हुआ, ऊंचा नीचा, कहीं मिट्टी का ढेला है, कहीं नहीं है, कहीं ढेला है, सब क्यों आया कि कभी गौर किया हमने, इतनी फुर्सत हमारे पास कहां है। रब ने बार बार कहा कुरान में गौर करो, हम तो कुरान खोलते भी नहीं है, तुम वहां कहां गौर करने चले जाएंगे, लेकिन आजिज़ी की अजीम निशान है उसमें, कभी जाना तो गौर करना देखना। ये कौन कुतुबुद्दीन बख्तियार का की है, मखदूम अशरफ जहांगीर लताइफ अशरफी में फरमाते हैं, मेरे आका मेरे मौला मखदूम अशरफ फरमाते लताइफ अशरफी में, कि जब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वजू बनाते थे, उनके पैर का जो धोवन होता था, पैर जो धोते थे, फरिश्ते आसमान से थाल लेकर के आते थे, और उनके पैर के तलवे के धोवन के एक कतरे को भी जमीन पर गिरने नहीं देते थे, लेकर आसमान में चले जाते थे, उसका नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। हम जानते क्या है, वो मकाम मर्तबे वाले हैं। ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब वेसाल उनका करीब हुआ, अपने मुरीद अपने जानशीन बाबा फरीद गंजे शकर को अपनी जानशीनी दी, जो तबरुकात थे तबरुकात दिए, भेज दिया पाकपटन। उन्होंने ख्वाब में देखा मेरे पीर का इंतकाल हो गया है, रोते हुए उठे और वहीं से चल पड़े। उस वक्त कोई बस ट्रक टेम्पू ट्राली ट्रेन का जमाना नहीं था, प्लेन का दौर नहीं था, चलते चले आ रहे हैं, हफ्तों लग गए यहाँ पहुंचने में। बाबा फरीद गंजे शकर जब पहुंचे, अपने पीर भाइयों से कहा मेरे पीर का मजार कहाँ है, दिखाओ मुझे। तो पीर भाई सब ले गए और मैदान में कहा यहीं कहीं पे है, इतनी जगह में है, कैसी बात कर रहे हो तुम लोग, मैं पूछ रहा हूं मेरे पीर का मजार कहाँ है, रोजा कहाँ है, कब्र कहाँ है, कब्र अनवर कहाँ है। बोले यहीं पे होगा, निशान तक मिट गए हैं। ऐसा क्यों है, उन्होंने कहा कि बाबा कुतुब की वसीयत थी कि मेरी कब्र को ऊंचा ना करना, बिल्कुल जमीन के बराबर रखना, और कोई निशान न लगाना कि यह कब्र है, ऐसे ही छोड़ देना जमीन के बराबर करके। क्यों छोड़ देना जमीन के बराबर करके, बाबा फरीद पूछते हैं आखिर ऐसा क्यों कहा मेरे शहर ने। तो पीर भाइयों ने अर्ज किया कि बाबा कुतुब ने कहा था, बड़े गौर से सुन लीजिए आजिज़ी क्या चीज है, बाबा कुतुब के मकाम को भी देखें, उनकी आजिज़ी भी देखें। फरमाते हैं
पीर भाइयों ने अर्ज किया कि बाबा कुतुब ने कहा जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरी कब्र को ऊंची न बनाना, मेरी कब्र को जमीन के बराबर रखना, बिल्कुल कोई निशान भी मत देना, बिल्कुल बराबर कर देना। ऐसा इसलिए करना कि कभी कोई बंदा रब का कोई नेक बंदा अगर यहाँ से गुजर जाए मेरे कब्र पे अपना कदम रख दे तो उसके कदम से मैं बरकत हासिल करूंगा, उसके कदम से मैं बरकत हासिल करूंगा। बाबा फरीद की आंखों में आंसू है, रोते हुए हंस करते हैं, मेरे सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार का कि सरकार आपको किसी नेक के कदम की बरकत की जरूरत है, सरकार आपके कदमों की खाक को जिसके चेहरे पे पड़ जाए चेहरा पुर नूर हो जाता है, जिसकी पेशानी पे पड़ जाए उसका मुकद्दर बदल जाए। सरकार आप तो सिलसिले चिश्त के तमाम तर अमानतों के अमीन है, आप तो गरीब नवाज के जानशीन है, आपके रग रग में मौला अली का खून है, आपके नस नस में सैयदा फातिमा का दूध है, आप तो माँ के पेट से 15-12 हाफिज़े कुरान पैदा हुए हैं, आपको भला किसके कदम की बरकत की जरूरत है। मगर ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की आजजी है कि उन्होंने अपने कब्र को बराबर रखा कि कोई कभी कोई मुसलमान नेक बंदा कभी कब्र पे कदम रख दे तो मैं बरकत लूंगा। बाबा फरीद ने अर्जी लगाई, रोते रहे, इल्तिजा करते रहे, तो ख्वाब में एक मतलब आए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इन्होंने इजाजत मांगी, सरकार आप सुल्तानुल हिंद के जानशीन हैं, सिलसिले चिश्तिया के तमाम तर अमानतों के अमीन हैं, आपके कब्र का भी पता ना हो, रोजे का भी पता ना हो, मिट्टी भी ऊंची ना हो, सरकार इजाजत दे दे हमें काम करने की इजाजत दे दे। तो उन्होंने इजाजत दिया असर से लेके मगरिब तक जितना बनाना है बना लो, जितना संवारना है संवार लो। बाबा फरीद गंजे शकर फौरन उठे हैं, काम में लग गए हैं, किसी और को लिया भी नहीं है, अकेले काम कर रहे हैं, मिट्टी ला रहे हैं, मिट्टी डाल रहे हैं, मिट्टी ला रहे हैं, मिट्टी का ढेला उठा उठा करके ला रहे हैं। डालते डालते मगरिब का वक्त हो गया, नमाज के बाद आंख लगी है, बाबा कुतुब ने कहा बस हो गया, जितना वक्त दिया था हो गया, और कुछ नहीं कर सकते। तो जैसे मिट्टी का ढेला रखा था वो आज भी वैसे ही रखा है, और किसी को काम करने की इजाजत नहीं मिली है। कभी उस रोजे पर जाओ तो अजमतों के निशान को देखो, ये इतने बड़े वली ने कैसे आज से काम लिया है। आज हम एक है तो उम्रा क्या कर लेते हैं, हमारे कदम जमीन पर नहीं रहते हैं, हम चाहते हैं इमाम साहब झुक के हमें सलाम करें। अरे बाबा कुतुब की बारगाह में हाजिरी दो और उनसे दर्द हासिल दो कि जिनके तलवे के धुवन को फरिश्ते आसमान पर ले जाते थे उनकी जिंदगी कैसी रही है, उनकी आजजी कैसी रही है।